हेलो एवरीवन, वेलकम टू काम्यास ऑल इन वन चैनल। आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत सारे बेल्कनी डेकोर आइडियाज। बेल्कनी डीआईवाई डेकोर आइडियाज की एक पूरी सीरीज चलेगी जिसमें बहुत सारे एपिसोड्स होंगे। ये है एपिसोड नंबर 1। हर एपिसोड में बेल्कनी को सजाने के बहुत सारे डीआईवाई शेयर करूंगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत सारे न्यू डीआईवाई आने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले DIY के लिए मैंने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुक का बाहर वाला सेक्शन लिया है जिसमें स्क्रू लगे हुए होते हैं, और मैंने लिए है बबल्स की बॉटल, जो बच्चों के खेलने वाली बबल्स बॉटल होती है उसको बस हमको कट कर देना है। तो जितने आपके हुक का डायमीटर होगा उससे थोड़ी बड़ी रख के बाकी की बबल्स की बॉटल को कट कर दीजिएगा। छुरी को गर्म करके काटेंगे तो जल्दी से कट जाएगी। अब हुक में से स्क्रूज निकाल दीजिए और बबल्स की वो जो बॉटल है उसको इस तरीके से फिक्स कीजिए कि वो हुक के मिडल में आए जहाँ से हुक खुला हुआ है। अब फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैंने ग्लू गन यूज़ करी है। आप चाहें तो वुड ग्लू या फेविबॉन्ड, फेविटाइट ये भी यूज़ कर सकते हैं, अमेजोन पे सब अवेलेबल है। तो दोनों साइड पे बस मैं अच्छे से ग्लू गन से ग्लू लगाऊंगी और उसको बबल्स की बॉटल को बीच में फिक्स कर दूँ कुछ इस तरीके से। चलिए अब इसका बेस बनाते हैं। बेस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने वुडन की एक स्टिक ली है, उसके ऊपर भी मैंने एक ग्लू गन लगाई है और वो जो हुप है उसको एकदम मिडल में अच्छे से प्रेस करके मैं स्टिक कर दूंगी। बस आपका सुंदर सा टेबल टॉप प्लांटर एकदम तैयार है। उसमें पानी भरिए और अपने मन पसंद का प्लांट प्रोपोगेट कीजिए और उसको टेबल पे सजाइए। ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो था ना बहुत ही आसान सा DIY फटाफट बनने वाला। चलिए अब फटाफट से हम दूसरे DIY की तरफ चलते हैं। दूसरे DIY के लिए भी मैंने वही बबल्स वाली बॉटल्स ली है, इसको भी मैं कट कर दूंगी। इसको भी मैंने छुरी को गर्म करके कट करा है तो फटाफट से आसानी से वो कट जाती है। अब इसको भी मैं प्लांटर ही बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वुडन की स्लाइस ली है। ये ना हो आपके पास तो कोई भी प्लास्टिक के कंटेनर का आप ढक्कन ले लीजिए, और दो आइसक्रीम स्टिक ली है। अब इनको स्टिक करने के लिए मैंने बहुत ही हैवी ड्यूटी वाला ग्लू यूज़ करा है। आप चाहें तो फेविबॉन्ड, फेविटाइट भी यूज़ कर सकते हैं। बस मैंने थोड़ा ऊपर नीचे रख के आइसक्रीम स्टिक को वुडन की स्लाइस के ऊपर स्टिक कर दिया है। इसको 5 मिनट लगते हैं जुड़ने में और ये बहुत ही आसानी से और एकदम स्ट्रॉन्ग ग्लू है, जुड़ जाता है। अब उन आइसक्रीम स्टिक्स के ऊपर मैंने जो ये ट्यूब प्लांटर्स हैं जो प्लास्टिक के, वो लगा दूंगी और ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसको हैंग करने के लिए मैंने ये स्क्रू लिया है और इसको आप अगर प्रेस करके दबाएंगे ना तो बहुत आसानी से वो फिक्स हो जाता है। फिक्स होने के बाद हमारा हैंग करने के लिए भी बन गया और हमारा सुंदर सा ये टेस्ट ट्यूब प्लांटर भी रेडी है। चलिए अब देखते हैं कि प्लांट्स लगाने के बाद ये कैसा दिखता है। मैंने इसमें दोनों पोथोस ही लगाए हैं, मनी प्लांट की वैरायटीज ही लगाई हैं और ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। फटाफट से भी बन गया और एकदम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाला DIY है ये। चलिए अब इसके साथ हम बढ़ते हैं तीसरे वाले DIY के लिए। तीसरे DIY के लिए भी मैंने हुप ही लिया है, उसका आउटर वाला सर्कल ही लिया है और मैंने एक प्लास्टिक का डब्बा ले लिया है। प्लास्टिक के डब्बे को मैंने पेंट कर दिया है ऑरेंज में, हल्का सा ब्लैक कलर मिला के और बेकिंग सोडा मिला के मैंने उसको टेराकोटा कलर दे दिया है। अब इसके अंदर हमको होल करने हैं तो कोई भी नोकेली चीज़ को गर्म करके आप उसमें 2 होल कर दीजिए बाजू बाजू में। अब मैंने यहाँ पे जिप टाइज ली है। अब इन जिप टाइज को हमको इन होल्स में से पास करा के ये डब्बे और ये हुप को अटैच करना है। बस जिप टाई को मैंने लिया और उसको होल में से ऐसे पास कराया कि डब्बा और हुप दोनों साथ में जुड़ जाएं और उसको लॉक कर दिया कुछ इस तरीके से। और इसी तरीके से हम दूसरी वाली टाई को भी जोड़ देंगे ताकि हुप और डब्बा एकदम अच्छे से जुड़े रहें। तो बस जिप टाई को मैंने लॉक किया। लॉक करने के बाद जो एक्स्ट्रा जिप टाई बचा है उसको मैं सीजर की मदद से कट कर दूंगी और ये हमारा सुंदर सा प्लांटर तैयार है। जो हैंगिंग वाले प्लांट्स हैं वो ये प्लांटर में बहुत सुंदर दिखेंगे। जहाँ से वो हैंग हो रहे हैं उनको बस हुक पे लपेट लो और ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो चलिए फोर्थ DIY की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने किचन का स्टैंड लिया है, आप ये भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास एक ऑलरेडी टूटा हुआ स्टैंड था, उसमें जंग भी लगा हुआ था, तो मैं ये वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जैसे कि ये पूरा जला हुआ है और ख़राब है तो पहले मैं इसको पेंट कर देती हूँ। पेंट करने के लिए मैं यहाँ पे स्प्रे पेंट का इस्तेमाल करूँगी, आप नॉर्मल जो एक्रेलिक कलर्स हैं उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसको ब्राउन स्प्रे पेंट से पेंट कर दिया और उसको सूखने दिया। सूखने के बाद वो कुछ इस तरीके से लगेगा। अब इसको हमको हैंग करने के लिए रस्सी बांधनी है, तो यहाँ पर मैंने जूट की रोप ले ली है
कुछ इस तरीके से लूप बनाते हुए रस्सी को उसमें से पास कराते हुए ऐसे एक नॉट बांधनी है आपको उसके साइड में। ऐसे ही हमको दोनों और साइड पे भी बांधनी होगी। बस अब कुछ नहीं करना, ये जो जूट की रस्सी है वो ले लीजिए और तीनों साइड की रस्सी को लेके अच्छे से सिक्योरली एक नॉट बांध दीजिए। रेगुलर वाली नॉट जो हम बांधते हैं, एकदम टाइट अच्छे से नॉट बांध दीजिए। नॉट बांधने के बाद ये आपका एक और हैंगिंग प्लांटर तैयार है। इसके अंदर आप अपना प्लांट लगाइए और हैंग कीजिए अपनी बालकनी में, बहुत यूनिक और बहुत सुंदर लगेगा। तो कैसे लगे आपको आज वाले DIYs मेरे को कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपसे बालकनी डेकोर सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।